सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे घर में ड्रेसिंग टेबल एक ऐसी जगह है जो हर 10 से 12 दिन में मुझे ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इसको जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर दो ये क्लटर वाला हो ही जाता है। तो इसको डीक्लटर करना और टाइम टाइम पर इसको ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल का एक ओवरव्यू भी, या डीक्लटरिंग तो मैंने किस तरीके से क्लीनिंग की, और कुछ अपना मेकअप साथ ही साथ आज आपके साथ में शेयर करूँगी। अपनी बैल्कनी के कुछ सामान को मैंने बिल्कुल नया कर दिया, अभी हाल फिलहाल में ही मैंने आपके साथ में बैल्कनी का एक ओवरव्यू भी दिया था, कुछ वो भी किया था। तो अभी पहले ये सारा सामान बाहर निकाल के इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, और नॉर्मल जो क्लीनर होता है उसी से क्लीन किया है मैंने। और ये दिखा रही हूँ आपको अपना कुछ DIY जो स्टिचिंग रिलेटेड है, ये मैं कुछ प्रोजेक्ट कर रही हूँ अभी। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये है मेरे वही DIY बॉक्सेस जो ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं ना, घर में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। मैं तो कभी भी गत्ते के जो डब्बे होते हैं उनको वेस्ट नहीं करती, हमेशा रीयूज़ कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने जैसे बच्चों के आर्टिफिशियल हेयर वगैरह जो होते हैं, जो परांदी वगैरह लगाते हैं, वो सब एक तरफ को कर करके रखा है मैंने नीचे। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने पर थोड़ी सी जगह में भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और ये सब मेरा काफ़ी पुराना सामान है। ये एक जैसे बच्चों को सर्दी वगैरह हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है स्टीमर, तो ये घर में ज़रूर होना चाहिए। मेरे घर में तो काफ़ी पुराना है। और ये देखिए, मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक कुछ मेकअप मैंने ख़रीदा था, और कुछ मेकअप मेरा पुराना रखा हुआ है। ये मेरी डॉटर को बड़ा शौक़ है, वो निकाल निकाल के इसको करती रहती है यूज़। तो अभी इसको भी ऑर्गेनाइज करना है, और ये मैं अपने इसी DIY ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज करूँगी। ये भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था कैसे बनाया है। बाय द वे, अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो इसका लिंक मैं दे दूँगी ऊपर आई बटन पर, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही आसान होता है इन ऑर्गेनाइज़र्स को बनाना, और बड़े ही काम में आते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज़र मिलेंगे, वो भी मेरे खुद के बनाए हुए। तो ये देखिए मेरे कुछ सामान हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है कामा आयुर्वेदिक का भृंगादी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट हेयर ऑयल। ये मैंने काफ़ी 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। डॉटर के बालों में यूज़ करती हूँ कामा का ही कोकोनट ऑयल, और अपने बालों के लिए करती हूँ कामा का इंटेंसिव केयर। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है मुझे यूज़ करने से। 1.5 साल हो गया नॉनस्टॉप यूज़ करते हुए, अच्छा प्रोडक्ट है। और ये है लोटस हर्बल का मेरा जो बॉडी लोशन होता है, बॉडी लोशन तो नहीं, जो सनस्क्रीन जो होता है वो। इसके बाद में लोटस के ही मैं जो यूज़ करती हूँ हेयर मास्क, सॉरी फेस मास्क और स्क्रब वगैरह। वैसे मैं प्रोडक्ट चेंज करती रहती हूँ। तो ये देखिए आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ, ये रखनी थी ऊपर के साइड में जहाँ नेल पेंट है, तो डॉटर क्योंकि इस्तेमाल करती रहती है तो वो सारे सामान को ना ऊपर नीचे कर देती है। और ये है गुड वाइब्स का एक वाटरमेलन जेल, ये मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट मुझे उतने नहीं लगे। जब लंबे समय तक कोई चीज़ यूज़ करो ना, उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट पते चलते हैं। अच्छा, ये क्लीन एंड क्लियर का जो फेस वॉश है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके 10 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं तो आप इस फेस वॉश को ज़रूर यूज़ कराइए, पिगमेंटेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पिंपल्स वगैरह भी नहीं होंगे। और ये है मेरा लैक्मे का 9 to 5 ब्लशर और आई शेडो। 9 to 5 के प्रोडक्ट अच्छे हैं लैक्मे के। और ये है मेबलिन का मेरा मस्कारा जो कि ऊपर रखना था। और ये है लिपस्टिक, आजकल मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये, रस्ट कलर की। 9 to 5 ही है, और सच में 9 to 5 ये स्टे करती है। और ये है आजकल मैं जो यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का कोलोसल काजल और लाइनर, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात है कि अफोर्डेबल भी हैं ये मेबलिन की, और साथ ही साथ ये अच्छा भी है। तो अगर आप 200-250 रुपए की रेंज में खरीदने की सोच रहे हैं तो इस पर जा सकते हैं। इसका काजल जो है वो 170 रुपए का है, और इसका जो लाइनर है वो भी 200-250 के आसपास है। ये मैंने नया मंगवाया था, इसको अभी यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये बच गया, नहीं तो बच्चे तो तोड़ देते हैं।
बाय द वे, जो भी मेरा मेकअप का सामान मैंने आपके साथ में शेयर किया है, अगर आपको इनमें से कुछ पसंद आता है तो सबके लिंक जितने भी मुझे मिलेंगे पॉसिबल हुए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक ये प्रोडक्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप मेकअप के शौकीन हैं तो इस वाले प्रोडक्ट को ज़रूर रखिएगा। फेस शीयर है ये, लैक्मे का ही है, और इसको इस तरीके से डैब डैब करके भी आप मेकअप के बाद में हाइलाइटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से अगर आप रब करेंगे ना हल्के हाथ से, मैंने तो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो इसके ऊपर देखिए फेस के ऊपर एक शिमर जैसा आ जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है आपके फेस को। और ये है कामा का बॉडी मॉइस्चराइज़र, ये मैं पहले इस्तेमाल करती थी विंटर में, अभी जो अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है इसीलिए लोटस का सन प्रोटेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ, और विंटर में करती थी मैं ये। तो एक ये लैक्मे की लिपस्टिक है, ये लिक्विड लिपस्टिक है फॉरएवर मैट करके, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, और ये सभी आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट मेकअप के, तो इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर भी कर दिया। और ये है लिंट रिमूवर, तो घर में एक लिंट रिमूवर होना चाहिए क्योंकि कपड़ों पर बूर आ जाते हैं ना, तो उसको इसको इलेक्ट्रॉनिक है तो बहुत ही इजीली इससे क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे आ गया मेरा सारा ड्रेसिंग टेबल क्लीन होने के बाद में सारा सामान, ये कामा के प्रोडक्ट हैं, और ये भृंगादी, और ये नल परमादी तैलम जो है इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा है ये, फेस के ऊपर आप अपनी केयर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक कप जो कॉफ़ी मग है, यहाँ पर मैंने लगाई है एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट, जो कि यूज़ करते हैं जैसे कई बारी लाइट बंद करने के बाद में अगर ड्रेसिंग टेबल में से कुछ सामान निकालना है रात में वगैरह होता है ना, तो लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइट लगाई हुई है, इससे ड्रेसिंग टेबल के अंदर भी प्रॉपर रोशनी रहती है। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये रियली बहुत ही अच्छे हैं लैक्मे के 9 to 5, और थोड़े से अफोर्डेबल भी हैं, अफोर्डेबल उतने भी नहीं है, मतलब 400-500 की रेंज में तो हैं ही, लेकिन ये नॉर्मल है, अगर आप अच्छा मेकअप ढूंढते हैं तो वो ये ही रेंज में आता है। तो जितने भी प्रोडक्ट मेरे को मिलेंगे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे नायका और स्टे क्वर्की की लिपस्टिक मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन इसको काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने के बाद में मेरे लिप्स जो हैं वो थोड़े से ब्लैकिश होने लग गए हैं, तो इसीलिए अभी मैं इसको धीरे धीरे करके चेंज कर रही हूँ, जो जो ख़त्म हो गई हैं वो तो छोड़ दी, और जो अभी बची हैं उनको यूज़ करने के बाद फिर डिस्कार्ड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल पूरा ऑर्गेनाइज कर लिया है, और यहाँ पर पूरा सारा सामान सेट हो गया है। अब करते हैं बैल्कनी में चेंजेस। तो ये देखिए, मैंने कल परसों ही अपनी बैल्कनी में आपके साथ में शेयर किया था, कुछ प्लांट लगाए थे गमलों में, रिपोर्टिंग की थी कुछ प्लांट्स की, तो इसी में हिबिस्कस भी था, और देखिए हिबिस्कस जो है मेरा कितना बड़ा फूल खिला है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये कुछ गमले भी मैं छत पर से लेकर के आई थी, तो ये काफ़ी टाइम के बाद में मैं इनके अंदर प्लांट लगाए तो थोड़े से गंदे से हो गए हैं। और आप में से जो फ्रेंड भी मुझे बोलते हैं ना कि गमलों का पेंट उतर जाता है, तो आप देखिए मेरे पास कितने पुराने पुराने गमले हैं, ये एक एक डेढ़ डेढ़ साल पुराने गमले हैं, बारिश धूप मिट्टी धूल मिट्टी में सब में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी इनका पेंट नहीं उखड़ा है बिल्कुल, तो पानी डालने से तो मतलब ही नहीं बनता। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो निकलता ही है अगर आपका कंटिन्यूसली, आप देखिए एक एक साल से रखे हुए हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा तो टाइम टाइम पर पेंट वगैरह चाहिए ही होता है, चाहे आपके सेरेमिक गमले हैं तो उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मिट्टी के हैं, सीमेंट के हैं, या आपके प्लास्टिक गमले हैं, उनमें सभी में पेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज बालकनी के कुछ सामान को बिल्कुल नया कर रही हूँ, उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये स्टूल, जो कि मैंने किया था DIY, और सीमेंटेड स्टूल है, इसके ऊपर मैं कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक कलर मैं डबल करके मिक्स करके बना रही हूँ, येलो और ब्लू को मिक्स करके मैंने एक अलग सा कलर बनाया है, जो कि डार्क ग्रीन कलर बन गया है और बहुत ही खूबसूरत बन करके आया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर का पोर्शन पेंट करूंगी, क्योंकि वाइट कलर देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसको रोज़ रोज़ धोना पड़ता था, इसीलिए मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर कर रही हूँ। और बैल्कनी में बैठ करके ये काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हवा चल रही है और मेरा कारवा चल रहा है और मैं साथ ही साथ अपना काम भी करती जा रही हूँ, और
ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं घर में करते रहने, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप कुछ प्रोडक्टिव तो कर ही रहे हैं अपने घर के लिए, साथ ही साथ ये कि आपके घर की साफ़ सफाई भी निरंतर होती रहती है। ये ऑर्गेनाइजेशन कहिए इसको, या सफाई कहिए, या अपनी जो अपनी क्षमताएँ हैं उनको बढ़ाएँ, या अपनी प्रतिभाओं को पहचानें। तो मैं तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपका एक दिन जो होता है वो प्रोडक्टिव जाता है। तो देखिए, स्टूल जो था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया, और अब मेरे ये पंछियों का खाने खाने वाले बर्तन जो हैं, ये मैं हमेशा ही 3 से 4 महीने बाद इनको क्या कहते हैं, पेंट तो करती रहती हूँ, मतलब साल में 2 बार पेंट करती हूँ इस पर। और दूसरी चीज़ ये कि हर दूसरे दिन मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, जिसकी वजह से ये 3 साल हो गए इन्हीं बर्तनों को, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो एक के ऊपर किया मैंने एक्रेलिक कलर, और दूसरे के ऊपर किया मैंने चॉक पेंट पड़ा हुआ था मेरे पास, तो चॉक पेंट मैंने कर दिया, तो वो भी सूखने के लिए रख दिए। और अब ये दिखा रही हूँ आपको अपने पुराने प्लांटर, ये कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना मेरा प्लांटर है। और देखिए, आप जो कहते हैं कि कलर निकल जाता है, तो इतनी जल्दी भी नहीं निकलता, 1 साल तक लगातार इसमें मेरे, पिछले साल भी सर्दियों में इसी में मेरे प्लांट्स लगे हुए थे, फिर ये धूल मिट्टी धूप में सब में पड़ा रहता है। हाँ, रंग ज़रूर हल्का हो जाता है धूप में पड़े पड़े, लेकिन ये ख़राब नहीं होता। तो अभी भी देखिए ये ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ। नैरो लेग का वॉल पेंट जो होता है वो लिया है मैंने, और इसके अंदर मैं मिक्स करूँगी एक्रेलिक कलर। आपको जो भी कलर बनाना है आप अपनी पसंद से कलर बना सकते हैं। मैं इसके अंदर मिला रही हूँ बॉटल ग्रीन कलर, तो ये कलर है मेरे पास। फैब्रिक कलर भी मिला सकते हैं, एक्रेलिक कलर भी मिला सकते हैं। तो मेरे पास फैब्रिक कलर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर जितना मुझे डार्क कलर चाहिए ग्रीन का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में मैं अपने प्लांटर के ऊपर यही वाला कलर करने वाली हूँ। इस तरीके से आप अगर चाहें तो चॉक पेंट की तरह ही पेंट बना सकते हैं मैट फिनिश में, और वो भी बहुत सस्ते में, क्योंकि चॉक पेंट जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से पेंट बनाएंगे तो चॉक पेंट की ज़रूरत नहीं होगी, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ों पर आप इसको कर सकते हैं। तो ये मेरे प्लास्टिक के गमले हैं, अगर आप इस तरह का पेंट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह जो ऑयल पेंट होते हैं वो पेंट शॉप पर मिल जाते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मुझे ये मैट फिनिश में पसंद है, तो मैं इस यहाँ पर यही कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, बस वाइट कलर ज़्यादा लिया है, एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर थोड़ा सा लेना है, और जितना डार्क चाहिए उतना ज़्यादा आप कलर मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद में अच्छे से मिक्सिंग अच्छे से करनी है। मिक्स करने के बाद में मैं अपने प्लांटर के ऊपर इस तरीके से कर दूंगी। अब चूंकि इसके ऊपर पहले से ही पेंट किया हुआ था, तो मैंने इसको पहले तो गमले को साफ किया है। आप चाहें तो सैंड पेपर की हेल्प से स्क्रब भी कर सकते हैं, बट ये लाइट कलर था तो इसके ऊपर हमने डार्क कलर पेंट किया है, तो ये आसानी से हो जाएगा। अगर आप डार्क कलर कर रहे हैं, जैसे पहले भी डार्क कलर है और आपको डार्क करना है, तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले डार्क कलर है और आपको लाइट कलर करना है, तो उसके लिए आपको पहला वाला जो कलर है वो आपको स्क्रबर से स्क्रब करके निकालना होगा, उसके बाद ही आपको प्राइमर करना होगा, फिर आप करें। तो इस तरीके से करते हुए मैंने सारे प्लांटर भी कर दिए। और ये देखिए, मेटल का मेरे पास बर्ड केज था, मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, तो ये ना धूल धूप मिट्टी में इसका मतलब जो गोल्डन कलर था वो निकल गया और ख़राब सा लगने लगा है। तो वैसे तो इसके ऊपर ऑयल पेंट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बट मेरे पास ऑयल पेंट इस टाइम था नहीं, तो मैंने इसके ऊपर यही कर दिया है। लेकिन करने में तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ये चलेगा, काफ़ी अच्छे से चलेगा। हाँ, ये है कि 5 से 6 महीने बाद इसको या तो रीपेंट किया जाए, या फिर इसको आप हम साफ करके फिर दूसरा पेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बर्ड केज को भी पेंट कर दिया। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पर डबल डबल कोट किया है पेंट का, जिससे कि ये पेंट बहुत अच्छे से विजिबल हो और सुंदर लगे। अब इसको भी मैंने सारे जितने भी प्लांटर थे इनको सुखाने के लिए रख दिया था। जब ये सूख गए हैं तब मैंने ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर लिया और ली ईयरबड। तो ईयरबड की हेल्प से मैंने इसके ऊपर बना दिए छोटे छोटे से पोल्का डॉट या डॉट्स, तो मेरे प्लांटर जो थे सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। तो इस तरीके से करके मैंने अपने बैल्कनी के कुछ प्लांटर्स, अपने पंछियों के
जो बर्तन थे, अपना जो स्टूल था या जो छोटी मोटी सी चीज़ें थी उनको मैंने एक नया रंग रूप दे दिया, नया लुक दे दिया। इसे बैल्कनी कलरफुल होती है और सुंदर लगती है और उसमें पौधे भी लगे हुए सुंदर लगते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जितना पौधों की देखभाल करनी ज़रूरी होती है उतना ही आपको अपने गमलों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो इस तरीके से करते हुए मेरी बैल्कनी भी तैयार हो गई है और फूल पौधे तो लगा ही दिए थे, गमले भी कुछ कर दिए हैं मैंने। और एक चीज़ और भी कहूँगी कि जब भी करें सारे इकट्ठे ना करें, थोड़े थोड़े करके करें, क्योंकि एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल भी नहीं है और फिर हो भी नहीं पाएगा। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी लिंक्स नीचे दे दिए हैं तो लिंक्स आप नीचे चेक कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मैं जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।